वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन इज फॉर यू। आज की वीडियो जॉब के रिलेटेड वीडियो रहेगी, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईजीआई एविटेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 1000+ पोस्ट्स निकली है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस जॉब के लिए बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस जॉब के लिए, आपका जो यहाँ पे स्केल है वो कितना रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको एग्जामिनेशन लिया जाएगा उस एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो किन किन स्टेट्स में किस किस सिटी में होगा वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे, आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इस जॉब के लिए वो क्या रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, IGI एविटेशन सर्विसेज PVT LTD। उसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक दी जाएगी फॉर नोटिफिकेशन के पर्पस के लिए, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो पोजीशंस है वो कस्टमर सर्विस एजेंट की जॉब रहने वाली है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 अगर आपके पास है, या इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सैलरी इस जॉब के लिए है वो फ्रॉम 15,000 टू 25,000 रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी एज है वो 18 टू 30 ईयर होनी चाहिए और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 1,095 है। इस जॉब के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एयरलाइन की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एग्जामिनेशन जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। एग्जामिनेशन में आपको जर्नल अवेयरनेस के 25 मार्क्स, एविटेशन नॉलेज के 25 मार्क्स, इंग्लिश नॉलेज के 25 मार्क्स और इसके अलावा जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है 25 मार्क्स वहां से भी आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस है वो 100 MCQs पूछे जाएंगे, हर किसी क्वेश्चन का जो है वो 1 मार्क होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे सिलेबस है वो अप टू 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा बाइलिंगुअल में, बोथ इन इंग्लिश और इन हिंदी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। फॉर्म फिल करने से पहले आपने सबसे पहले जो टर्म्स कंडीशंस इस जॉब के लिए है वो देखनी है। उसके बाद अगर आपने कोई भी सेंटर चूज किया है इस जॉब के लिए, आफ्टर सबमिशन आप जो सेंटर एग्जामिनेशन के लिए है वो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप बिहार एंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तब जाके जो आपको सेंटर्स है वो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना एंड मुजफ्फरपुर में रहेगा। इसी तरह अगर आप झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तब जाके आप अकॉर्डिंगली इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आपके सेंटर कहाँ पे रह सकते हैं। इसी तरह अगर आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तब जो आपके सेंटर से जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जलंधर और चंडीगढ़ में रह सकते हैं। इसके अलावा इस जॉब का जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, आप अप टू 31 मार्च इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सबसे पहले एक कैंडिडेट को रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं इस रिटन टेस्ट में उनको एक पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस एट दिल्ली है वहां पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी डेट एंड टाइमिंग है वो आपको कॉल लेटर में या आपकी जो ऑफर लेटर जो आपको मेल की जाएगी उसमें आपको दिया गया होगा। बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगी। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी अप्लाई लिंक पे, आपने डायरेक्ट उस अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो चेकबॉक्स है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
5 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो टू बी अनाउंसड है। आफ्टर एग्जामिनेशन जो रिजल्ट है वो विद इन 15 डेज आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपने सबमिट करनी है, जैसे आपका जो टाइटल है वो क्या है आपका, यहाँ से जैसे मिस्टर, मिसेस और मिस्ट्रेस, मैं यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आपका फुल नेम है वो आपने यहाँ पे जो एंटर करना है। उसके बाद जो आपका फादर्स का नेम है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो आपकी DOB है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद जो आपकी नेशनलिटी है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद जो आपका जेंडर है जैसे मेल और फीमेल वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सिंगल, मैरिड और अदर्स है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, जैसे मेरी कैटेगरी यहाँ पे जनरल है, मैं यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो आपका नियरेस्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 बताना है। उसके बाद जो आपकी सिटी या डिस्ट्रिक्ट वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी मांग रहा है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पैन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर दे के यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपने यहाँ पे सेट करनी है। पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 10th की जो है वो यहाँ पे डिटेल्स देनी है। उसके बाद 12th की डिटेल्स, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा है। यहाँ पे जो 12th और 10th है ये यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है ये यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है भी नहीं, यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने ये जो जॉब है वो कहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे जो जॉब है वो मैंने सोशल मीडिया से देखी, उसी तरह आपने फिर लास्ट में यहाँ पे जो है वो फोटोग्राफ अपना जो है वो अपलोड करना है। आपका जो फोटोग्राफ है वो .jpg और .png होना चाहिए और आपकी जो फाइल है वो लेस देन 4 MB होनी चाहिए। अगर आपके पास फोटो है जो मोर देन 4 MB है तब जाके आप अपने ब्राउजर में imagecompression.com वेबसाइट से अपने फोटो को जो है कंप्रेस कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे जो सबमिट है इस पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी जो 350 अमाउंट है वो आपने पे करना है। आप विद द हेल्प ऑफ UPI ID और अदर पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे अगर आपके पास डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद जो आपका अप्लाई प्रोसीजर है वो आपका यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आपको ईमेल आएगी या आपको SMS की जाएगी दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें डायरेक्ट कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।